गाइस, आई एम रचना। स्टडी विद रचना में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थान है? आंसर इज मौर्य वंश। अशोक के रुमदेई अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? आंसर इज कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति या शिष्य कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति या शिष्य कौन था? आंसर इज सुबद्ध। सुबद्ध गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाले पहले शिष्य थे तपस्वी और मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आंसर इज प्रथम उपदेश। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। नेक्स्ट वन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। आंसर इज धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु यानी दुखों को दूर करने के उपाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बिच्छुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? आंसर इज वैशाली। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आंसर इज राजगीर। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बज्रयान क्या है? आंसर इज तंत्र मंत्र या जादू टोने के साथ बौद्ध धर्म। बज्रयान सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा थी। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? आंसर इज कोलिय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? आंसर इज जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः
किस से संबंधित थे? इसका आंसर है वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास गृह किसका तीर्थ स्थल है? प्रवास गृह किसका तीर्थ स्थल है? आंसर इज जैन धर्म, आंसर जैन धर्म। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आंसर इज कैवल्य, आंसर इज कैवल्य। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं करता? आंसर आंसर जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आंसर इज जैन धर्म, आंसर जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर इज अर्धमगधी, आंसर इज अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर है सम्मेद शिखर, इसका आंसर है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आंसर इज मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? आंसर इज कौशाम्बी, कौशाम्बी एक ऐसा नगर है उत्तर प्रदेश में जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? आंसर इज चामुंडराय, किसने कराई थी? चामुंडराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ पर? जहाँ, आंसर इज जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आंसर इज बौद्ध गया, बौद्ध गया, जो कि निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आंसर इज आचरण की शुद्धता व पवित्रता, आंसर इज आचरण की शुद्धता व पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? आंसर इज देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? आंसर इज नागार्जुन, नागार्जुन को प्रथम शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षु तो जो था उसको चीन भेजा गया था। बौद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? आंसर इज विक्रमशिला, आंसर इज विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थे, पहला नालंदा,
दूसरा बल्लवी और तीसरा विक्रमशिला। उम्मीद करती हूँ आपको ये हैंड रिटन नोट्स पसंद आए होंगे। फॉर मोर नोट्स और वीडियोज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।